मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। सो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ बिल ऑफ एंट्री पे। अगर आप इम्पोर्ट करते हैं तो ये बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करनी होती है कस्टम डिपार्टमेंट में। ये आज की डेट में पेपरलेस होता है, सो ये आप ऑनलाइन फाइल होती है आई सी गेट वेबसाइट पे। सो नॉर्मली आपका CHA जिसके थ्रू आपका जो कस्टम हाउस एजेंट है जिसके थ्रू आप इंपोर्ट कराएं वो फाइल करता है। आप इसे खुद भी फाइल कर सकते हैं और अगर आप ये एक्सप्रेस या किसी एयरवे सर्विस से आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये आपकी कुरियर जो कंपनी है वो फाइल करेगी। फॉर एग्जांपल FedEx, DHL, ग्रैंड स्लैम आप इनके थ्रू कर रहे हैं तो वो ये फाइल करेंगे। सो बिल ऑफ एंट्री में सारे डिटेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, प्रोडक्ट का HSN कोड होता है, किस वैल्यू का प्रोडक्ट है, उसमें क्या कस्टम ड्यूटी लग रही है, तो इस तरह की सारी डिटेल्स उसमें होते हैं। तो नॉर्मली मैं प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करने में बिलीव करता हूँ, तो आइए मैं एक सॉफ्ट कॉपी आपको बिल ऑफ एंट्री की दिखाता हूँ और उसमें बताता हूँ कि क्या क्या उसमें डिटेल्स मेंशन है। तो चलिए मेरे सिस्टम पे चलते हैं और मैं फटाफट आपको बताता हूँ। ये एक बिल ऑफ एंट्री है, आप ये देख सकते हैं। ये जो शिपमेंट है ये चाइना से इंपोर्ट हुआ था और ये एक एयरवेज एक्सप्रेस कंपनी ग्रैंड स्लैम के थ्रू इंपोर्ट किया गया था। सो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि ये अगर आप एयरवेज के थ्रू कर रहे हैं तो ये आपकी जो भी कुरियर कंपनी है वही ये फाइल करेगी। तो यहाँ ग्रैंड स्लैम एक्सप्रेस है, उसने ये फाइल किया था। सो यहाँ पे आप देखिए, कुछ डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये बताया हुआ है कब ये शिपमेंट था, किस एयरलाइन से आया, ये मलेशियन एयरलाइन से आया हुआ है, फ्लाइट नंबर, कौन से एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है, ये मुंबई ये मुंबई एयरपोर्ट का कोड है, डेट ऑफ अराइवल, ये सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है। अभी इसमें ये कहाँ से आया था, उसमें जो कंसाइनर है उसका डिटेल्स है, ये थोड़ा सा हाइड कर दिया है मैंने। और इसमें एड्रेस ऑफ कंसाइनर दिया है, कंसाइनी क्या है, किसने इम्पोर्ट किया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे कंसाइनी का IEC कोड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये यहाँ पे मेंशन होता है कि किसने इम्पोर्ट किया है। पैकेजेस ये दिए हुए हैं कि कितने बॉक्सेस ये आए हुए हैं, दो बॉक्सेस है, एक बॉक्सेस है, तो यहाँ मेंशन है दो बॉक्सेस है। ग्रॉस वेट डला हुआ है। सो नॉर्मली आप जो भी लॉजिस्टिक कंपनीज होती हैं वो वॉल्यूमेट्रिक वेट को ज़्यादा, जो भी वेट ज़्यादा होता है उसका, उसको कंसिडर करती हैं। तो यहाँ पे इसका वेट दिया हुआ है 27 kg। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो ये है, ये एसेसेबल वैल्यू। सो ये यहाँ पे जो कस्टम, जब भी नॉर्मली क्या होता है इम्पोर्ट पे बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपये का कुछ प्रोडक्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उस पर नॉर्मली जो भी कस्टम ड्यूटी लगेगी वो 1 लाख रुपए के वैल्यू पे लगेगी। बट अगर आप उसको अंडर वैल्यू करके दिखाते हैं, जो कि गलत है, जो कि इलीगल है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो अगर कुछ लोग करते हैं उसको 50,000 वैल्यू दिखाते हैं और उस पर टैक्स भरते हैं तो उन्हें कम टैक्स पे करना, इम्पोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी सब कम पे करनी होती है, जो कि एक गलत तरीका है। आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई, आप किसी एजेंट के थ्रू इम्पोर्ट भी कर रहे हैं, अगर वो आपको बोले कि आप इसको अंडर वैल्यू कर लीजिए तो ये आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ ये इलीगल है, दूसरा अगर आप इस तरह से कुछ करते हैं तो हो सकता है कस्टम आपका ये, अगर ये वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है तो कस्टम आपका पूरा माल, जो भी आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो उस पर काफ़ी आपकी हैवी पेनल्टीज लगा सकता है और हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कस्टम ने जो उनकी वैल्यू लगाई है, सो वो ये वैल्यू आ रही है 20,000 का, एक छोटा शिपमेंट है जो एक्सप्रेस कुरियर सर्विस से आया है, उस पर ड्यूटी जो लगी है, टोटल ड्यूटी यहाँ पे दिख रही है 7,604 रुपए की ड्यूटी लगी हुई है। सो इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको और ये GST नंबर यहाँ पे हाइड कर दिया है। यहाँ पे आपकी कंपनी का या जिस भी कंपनी, जो भी कंपनी इंपोर्ट कर रही है उसका GST नंबर यहाँ पे आएगा। सो ये डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट या इस पर्टिकुलर बिल ऑफ एंट्री में इम्पोर्ट हुआ है उसका HSN कोड ये मेंशन है। सो ये कोड आप देख सकते हैं, ये नॉर्मली 4202 जो शुरू में इनिशियल्स आ रहे हैं, ये एक लगेज कैटेगरी होती है, बैग्स, वॉलेट, ये सारी कैटेगरी आती है। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन भी है आउटडोर बैकपैक, और इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन हांगकॉन्ग, ये चाइना से इम्पोर्ट हुआ है। सो ये डिटेल्स यहाँ मेंशन है। पीसेस कितने हैं, 50 पीसेस हैं।
इनवॉइस वैल्यू ये यूएसडी में मेंशन की हुई है यहाँ पे, सो ये सारे डिटेल्स हैं यहाँ पे मेंशन है। फ्राइट के क्या चार्जेस है वो भी यहाँ पे मेंशन है, और रेट ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि आप नॉर्मली जब इंपोर्ट करते हैं तो आप फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हैं, तो आपने यहाँ इसमें यूएसडी में हुई है तो क्या रेट ऑफ एक्सचेंज लगा है INR के कंपेरिजन में, वो भी मेंशन किया हुआ है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ड्यूटी के ऊपर, तो इस प्रोडक्ट पे कितनी कस्टम ड्यूटी लगी है सो मैं बताता हूँ। ये BCD जो है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 15% लगी है। तो यहाँ पे जो भी इसकी एसेसेबल वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे ऊपर दिख रही थी BCR रुपए जैसे आ रही है, प्लस फ्राइट, तो जो भी लॉजिस्टिक चार्जेस हैं और प्रोडक्ट वैल्यू है उन दोनों के ऊपर ये, उन्हें ऐड करके दोनों के ऊपर ये 15% कस्टम ड्यूटी लगेगी। सो ये यहाँ पे ये वैल्यू आप देख रहे हो, ये 3444 ये वैल्यू यहाँ पे लगी हुई है। सो आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो जितनी भी आप IGST पे करते हैं, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको IGST 18% है ये वैल्यू है, इसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, ये इसका ये बेनिफिट होता है। बट आपको ये ध्यान रखना है, आप किसी और ड्यूटी का, बेसिक कस्टम ड्यूटी, इन सब का आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये एज अ टैक्स गवर्नमेंट ने आपसे ले लिया है, बट ये जो IGST इसका आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सो ये एक तरह से आपका, ये आप इसको अपना, ये जो आपने टैक्स पे किया ये आपको वापस मिल जाएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा, वापस तो गलत वर्ड है, ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको बेनिफिट है इसमें, और ये सोशल वेलफेयर सरचार्जेस है, तो ये यहाँ पे 300 रुपये लगे हुए हैं, 304 रुपये लगे हुए हैं, और टोटल ड्यूटी जो अमाउंट है इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये 7607 रुपये है। सो ये चालान डेट यहाँ पे मेंशन है, ये किस दिन जब आपका शिपमेंट इंडिया लैंड होता है उसके बाद ये कस्टम के पास कब प्रेजेंट होता है और ये चालान तब जनरेट हुआ है, तो उस दिन की इसमें डेट डली हुई है। तो ये कुछ डिटेल्स होते हैं इसमें, ये बिल ऑफ एंट्री इसमें एक तरह से अगर आप देखोगे तो सारी डिटेल्स है, कहाँ से कौन इसका सप्लायर है, कौन इसका इम्पोर्टर है, किस कुरियर का सर्विस के थ्रू ये आ रहा है, कंपनी जो इम्पोर्ट करी है उनका IC कोड क्या है, GST नंबर क्या है, क्या अमाउंट है, क्या है, सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है, और ये मेनली कस्टम ड्यूटी और टैक्स की डिटेल्स मेंशन है, तो इसको आप फाइल कर सकते हैं और इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करिए, मैं बिल्कुल उसका आंसर करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि भी आप मुझसे पर्सनली ट्रेनिंग ले सकें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की और ई कॉमर्स बिजनेस की, तो आप बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास आ सकते हैं और ये ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप दूसरी सिटी में रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई या किसी भी सिटी में रहते हैं इंडिया में या इंडिया से बाहर, और आपको अगर मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो मैं वेबिनार के थ्रू भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो वेबिनार के थ्रू मैं 7 डेज की ट्रेनिंग देता हूँ, डेली 2 घंटे की उसमें क्लासेस होती हैं, उसमें काफ़ी मैं डिटेल में बताता हूँ कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, इंपोर्ट आपको कैसे करना है, इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन और सारा डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। और ये एक तरह से प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है क्योंकि मैं खुद ही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता हूँ, तो उसके साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे सब कुछ दिखा के कैसे आपको इंपोर्ट करना है और कैसे एक्सपोर्ट करना है, तो वो सारा डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको ऐसा मेरे साथ ट्रेनिंग करनी है तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी डाला हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए।